हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रीमी, क्रंची और क्रिस्पी सी कुरकुरे बर्गर। इसमें जो बर्गर की आउटर कोटिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची रहेगी। साथ में इसमें होगी आलू की टिक्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और क्रीमी मेयोनीज वाला मिक्सचर, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं क्रीमी मेयोनीज मिक्सचर। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज मैं यहाँ पे ले रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जूलियन कट गाजर ले लिया है, और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और फिर इसी के साथ जाएगा 1/2 टीस्पून यहाँ पर गोल मिर्च का पाउडर, और फिर हम ऐड कर लेंगे मेयोनीज। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मेयोनीज भर कर ऐड किया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 3 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करके इन सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो वेजीज़ मैंने ऐड किया है वही वेजीज़ आप ऐड करें। तो यहाँ पर देखें, ये मेरी जो मेयोनीज वाली मिक्सचर है वो तैयार है। तो अब टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूँगी 3 बॉइल्ड आलू, जिसको उबाल लेना है और फिर छिलके को रिमूव कर लिया था। तो सबसे पहले इस आलू को हम अच्छे से मिक्स्ड कर लेंगे यानी कि मैश्ड कर लेना है। तो अपने हाथों से करें या फिर आप किसी भी चीज़ से आप इसे मैश्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉईल करके इसे मैश ही कर लिया था। तो अब टिक्के में कुछ इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज लिया एक बारीक कटा हुआ, और एक हरी मिर्च, और थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, उसे भी ऐड कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि 1/2 टीस्पून है, और इसी के साथ थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर जिसे मैंने चॉप कर लिया था, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के अराउंड नमक ऐड कर लिया है। तो अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर मैं काली गोल मिर्च 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, उसे भी ऐड कर लिया। और बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं फ्रेश ब्रेड के क्रम्स ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के क्रम्स लिए एकदम फ्रेश, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड के भी क्रम्स ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें इसकी टिक्की प्रिपेयर करनी है। तो बहुत अच्छे से इसे हाथों से मैश करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। तो आलू टिक्की का मिक्सचर एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब टिक्की को बना लेते हैं। इसमें से एक टिक्की का पोर्शन उठाएंगे और उसको एक टिक्की का शेप देंगे। जितनी बड़ी हमारी बन होगी उतनी बड़ी हमने टिक्की प्रिपेयर किया है। तो ये देखिए, जो हमारी एक टिक्की है वो एकदम प्रिपेयर हो चुका है, मतलब बन चुका है। और एक फ्लैट सरफेस पे रखकर उसे एक इवनली शेप देंगे, ताकि वो टिक्की का एक शेप ले ले। तो जितनी बड़ी भी बन रहे आपकी, उतनी बड़ी ही आप टिक्की का एक शेप डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरी टिक्की तैयार है। तो हम दूसरी टिक्की भी हम इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो टिक्की के अंदर चीज़ फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चीज़ फिल नहीं किया था, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कोटिंग करके इसे करेंगे फ्राई। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, और साथ ही साथ डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे के साथ ये घोल तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी हम एक कोटिंग कंसिस्टेंसी वाली घोल बना लेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो घोल हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ पर जो हमारी स्पून है उसे ये कोट कर रहा है, तो मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी घोल तैयार है। तो चलिए अब कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए, वाइट ब्रेड के क्रम्स लिए, एकदम फ्रेश ले लेना है, एक प्लेट में डालना है। तो अब हम अपनी टिक्की को इन दोनों चीज़ों में कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले डालना है इस घोल में और इसे गीला कर लेना है, और फिर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स वाले प्लेट में और इसे ब्रेड क्रम्स के साथ पूरे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ख्याल रखिएगा, चारों तरफ से आप इक्वली इसे कोट कीजिएगा, और ये बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है ब्रेड के साथ। तो यहाँ पर मेरी एक टिक्की एकदम तैयार है। तो नेक्स्ट भी मैं इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात यह है ना, अगर आप चाहें तो इसे आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो कोई भी कंटेनर में, जिप लॉक कंटेनर में इसे लॉक कर दें, और 2 से 3 हफ्ते तक इसे ईज़िली आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आज मैं इस टिक्की को सेल्फ फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर तेल कम यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर धारा रिफाइंड तेल लिया है, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून ही मैं यूज़ कर रही हूँ, और केयरफुली अपने टिक्की को इस तेल में डाल देंगे। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो कुछ सेकेंड तक एक साइड को कुक कर लेंगे, फिर अपने साइड्स को टर्न कर देंगे। यहाँ पर टिक्की को ये लग रही है बिल्कुल ठेले वाली टिक्की, अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे सेल्फ फ्राई ही किया था। तो यहाँ पर आलू टिक्की एकदम फ्राई होके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बर्गर बन ले लिया है, और इसे बीच से स्लिट कर देना है, यानी कि 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर देना है, और फिर इसके ऊपर लगाना है अपने मनपसंद जो भी आपकी फेवरेट सॉसेज है, आप उसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपर पार्ट पर लगा रही हूँ टोमेटो सॉस। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे इतना ही डालें जितना एक बन पर ये फैल जाए, और इसे स्पून की हेल्प से इसे चारों कॉर्नर पर इवनली स्प्रेड कर दें। तो यहाँ पर मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ, और दूसरे वाले बन पे भी मैं सेम ही अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे सॉसेस को रखकर इसे चारों तरफ फैला लेना है।
तो अपर पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब लोअर वाले बन पे हम क्या यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मायोनीज़। अगर आप चाहें तो इसे मिंट मायोनीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्रीन सॉसेस इसमें ऐड करके इसका एक दूसरा वर्जन बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल मायोनीज़ ही अप्लाई किया है। और अब उसके ऊपर हम रखेंगे टिक्की, जो मैंने अभी फ्राई करके इसे रेडी किया है। दोनों साइड पर हम रख लेंगे, जिस साइड पर मैंने मेयोनीज़ लगाया था लोअर पार्ट पे, उस साइड पे हम टिक्की डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे वही मिक्सचर जो मेयोनीज़ का मैंने क्रीमी मिक्सचर रेडी किया था। अच्छा, अगर आप टिक्की बनाने से बचना चाहते हैं ना, तो आप फ्रोज़न टिक्की जो मार्केट में मिलता है उसे भी आप इस टिक्की की जगह पर वो यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से लें और फ्राई करके आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस क्रीमी मिक्सचर लगाने के बाद दूसरे वाले बन से ना इसे कवर कर देंगे। तो अब इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल साइड से निकल रहा है ना उसे हम हटा लेंगे। बस इस तरीके से हमारा बर्गर एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे कोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कोटिंग के लिए ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स, जो कि हम ब्रेकफास्ट में डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर 2 कप भर के कॉर्नफ्लेक्स लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। और इस कॉर्नफ्लेक्स को हाथों से थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इसे ग्राइंडर जार में ब्लेंड नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेना है। तो बस ये कॉर्नफ्लेक्स यहाँ पर तैयार है। तो इसी के साथ एक घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप मैदा, उसी के साथ 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और फिर ले यहाँ पर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, जो कि ये कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि हमें बर्गर कोट करना है। तो बस वैसे ही घोल तैयार कर लेना है जैसे हमने टिक्की में तैयार किया था। तो ये देखिए, ये कोट कर रहा है ना स्पून को, तो हमारी घोल एकदम तैयार है। तो अब इस बर्गर को हम इसमें अच्छे से डिप करके इसे पूरी तरीके से कोट कर देंगे। तो बर्गर को हमने इसलिए प्रेस किया था ताकि जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो पहले ही निकल जाए और मैनेज करना बहुत इजी हो जाए इसे। तो बस इसे अच्छे से डिप कर देना है पूरे तरीके से, आगे पीछे ऊपर नीचे सारे तरफ से आप बर्गर को कोट कर लेंगे। और फिर इसे डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स वाले बाउल में और इसे भी अच्छे से कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लेक्स के साथ। आप चारों साइड से इसे दबा दबा कर प्रेस करते हुए इसे अच्छे से कोट कर लेना है कॉर्नफ्लेक्स के साथ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप इसे ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोट कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स से जो क्रंचीनेस आता है ना वो ब्रेड क्रम्स के साथ नहीं आ पाएगा। तो आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आप कॉर्नफ्लेक्स के साथ ही इसे कोट करें। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारा एक बर्गर एकदम तैयार है कोट हो करके। तो बाकी बर्गर को भी हम इसी तरीके से कोट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में 5-10 मिनट रख कर इसे सेट करने के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी तरह इसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस बर्गर को अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल को पहले से ही गर्म कर लिया था। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ धारा रिफाइंड तेल, और केयरफुली इस बर्गर को हम इसमें ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो मैं 2 बर्गर को एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों बर्गर को पैन में ड्रॉप कर दिया। अगर आप चाहें तो एक बर्गर को एक टाइम पे ही फ्राई करें, और यहाँ पर मैंने तेल थोड़ा सा कम रखा था। अगर आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ फ्राई ही किया है। और इसे अलट पलट कर आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो बर्गर है वो एकदम रेडी है, क्रिस्पी क्रंची एकदम तैयार है फ्राई होकर। तो चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी इसे फ्राई कर सकते हैं, उतना ही क्रिस्पी और यमी बन के तैयार होता है। ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है, और इसका कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लेक्स यूज़ किया है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इनफैक्ट आप इसे थोड़ी देर रख भी देंगे और ये ठंडा भी हो जाएगा, तो इसकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो कम नहीं होने वाली है। तो चलिए अब इसको एक बार कट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बर्गर को कट कर रही हूँ, और वाओ, ये कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। अंदर जो है ना इसकी फिलिंग वो बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर देगा आपको। आलू टिक्की है और उसके साथ जो मेयोनीज़ का जो मिक्सचर है, क्रीमी सा और ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी सा कॉर्नफ्लेक्स, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा बर्गर बन के तैयार होता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है और मैं चली इसे खाने। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, ये बर्गर अच्छी लगी तो मेरे चैनल टेस्टी मिल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। मैं ऐसी आती रहूँगी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। बाय।